आई एम सुमेर राशिद एंड वेलकम बैक टू द टॉलीवुड रिपोर्टर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुलाई में थॉर लव एंड थंडर रिलीज होने वाली है, जिसके ट्रेलर पे हाल ही में मैंने अपना एक रिएक्शन किया था। उसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे आज हम बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ द नेमेसिस ऑफ थॉर गौर द गॉड बुचर की, जिसका किरदार क्रिश्चियन बेल प्ले कर रहे हैं। गौर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और फेमस विलन है एमसीयू का, स्पेशली थॉर सीरीज में, एज इसका जो ओरिजिन है वो बाकी विलन से काफ़ी अलग है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि गौर आखिर गॉड द बुचर बना कैसे और उन्होंने एमसीयू को किस तरह शेप किया। सो गौर वॉज बॉर्न ऑन अ प्लैनेट विद नो नेम। उनको बचपन से ही सिखाया गया था कि गॉड्स पे भरोसा करो, उनकी वर्शिप करो, इन शॉर्ट वही फिलॉसफी जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते आए हैं। सो वॉट ही डिड वॉज ऑब्वियसली ही प्रेड एवरी डे। एज जिस प्लानट पे वो पैदा हुए थे उस पर सर्वाइवल चांसेस बहुत कम था और रोज़ कोई ना कोई भुखमरी से मर जाता था। हर जगह बीमारी फैली हुई थी और लाइफ के नाम पे वहाँ बस एक ही ट्राइब जिंदा था, जो खुद हर रोज़ मौत की तरफ बढ़ता जा रहा था। और गौर उसी फेट से बचने के लिए रोज़ प्रे करते थे, लेकिन कभी किसी गॉड ने उनकी नहीं सुनी। एट एन अर्ली एज हिज मदर एंड फादर डाइड, लीविंग गॉर टू फेंड फॉर हिमसेल्फ इन द हार्श एनवायरमेंट। कुछ साल बाद गौर शादी कर लेते हैं, उनकी जो मेट है आरा उसके साथ भी उनके कुछ बच्चे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली स्टारवेशन से वो सब भी मर जाते हैं। आरा की भी एक अर्थक्वेक में डेथ हो जाती है। फिर उनके जो सबसे यंगेस्ट सन थे अगार, ही ऑल्सो डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। स्ट्रिकन विद ग्रीफ ऑफ अगार्स डेथ, गौर गेव अप होप एंड आउटवर्डली एक्सप्रेस्ड हिज बिलीव दैट देयर वर नो गॉड्स। बट यहाँ एक ट्विस्ट है। सरप्राइजिंगली एक बार उनको डार्क एल्डर गॉड नल और गॉड एनिग्मा फोर्स के बीच लड़ाई होती दिखती है, जिसके बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि जो गॉड्स हैं वो असल में एग्जिस्ट करते हैं, और फिर भी उन्होंने कभी गौर की प्रेयर्स नहीं सुनी। दिस मेक्स हिम एनरेज एंड ही वोट टू सीक वेंजेंस अगेंस्ट ऑल गॉड्स फॉर नेवर आंसरिंग हिज प्रेयर्स एंड सेट आउट टू किल देम ऑल। नल, जो कि लड़ाई के बाद डीप स्लीप में चला जाता है, उसका नेक्रोसॉर्ड गौर को मिल जाता है। अब जो नेक्रोसॉर्ड है उसकी भी अपनी ही काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन उस पर कभी और डिस्कशन करेंगे। नेक्रोसॉर्ड जैसा स्ट्रॉन्ग वेपन मिलने के बाद गौर काफ़ी सारे गॉड्स को मार देता है, जैसे कि गॉड ऑफ फियर, वॉर, केओस, जेनोसाइड, रिवेंज, फ्लैग, अर्थक्वेक, ब्लड रैश, जेलेसी, डेथ और डिग्रेडेशन। समवेयर बिटवीन द 9th सेंचुरी गौर थॉर को मारने निकलते हैं, बट काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद थॉर उन पर भारी पड़ जाते हैं और गौर वापस हाइबरनेशन में चले जाते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एमसीयू में अगर कोई गौर को मार पाया है वो है थॉर, बट ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं थी और ना करके भी कम से कम 3 अलग अलग थॉर के वर्जन्स ने उनके साथ बैटल करी थी और काफ़ी मशक्कत के बाद ही वो गौर को हरा पाए। इसी बैटल में हमें माइटी थॉर और ऑल फादर थॉर भी मिले हैं। गौर की डेथ भी एमसीयू में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाती है, एज वो गौर ही थे जिसकी वजह से थॉर अनवर्दी बन गए। यस, गौर हैज मैनेज टू लीव हिज मार्क ऑन द थॉर ऑफ अर्थ 616, एज गॉड्स फिलोसफी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉर बिकमिंग अनवर्दी एंड बींग अनेबल टू लिव मेजोनर। अब क्रिश्चियन बेल के साथ गौर जैसे कैरेक्टर को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करना अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। गौर का ओरिजिन काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक और ट्रैजिक है, जिसकी वजह से हम में से काफ़ी सारे लोग उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो अब देखना यह है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेल से वो कितना ज़्यादा वर्दी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप वॉचिंग द डॉलीवुड रिपोर्टर्स।